दोस्तों का फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। भाई देखिए, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, लेकिन इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि आप उसे कैसे करते हैं। क्योंकि आज के मॉडर्न जमाने में भाई साहब बेसिक जैसी कोई चीज है ही नहीं, हर किसी को अपना लेवल एडवांस करना पड़ता है, वरना कोई आपको पूछेगा तक नहीं। अब जैसे कि आप हमारी आज की वीडियो में दिखाए जाने वाले बावर्स को ही देख लीजिए, जिनके काम है बारीकी के साथ साथ इतनी फुर्ती है कि आपके पलक झपकते ही ये भूत को भी इंसान बना दे। आप पूछेंगे भैया वो कैसे, तो बस ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए, ठीक है। ये वीडियो वाकई में आपको घुमा कर रख देगी। दोस्तों, नाखूनों को चमकदार बनाने का जुनून ना जाने कब से लड़कियों पर सवार है, लेकिन अब तो भाई लड़के भी इस रेस में शामिल हो गए। इसी वजह से मैनिक्योर की नई नई टेक्निक्स मार्केट में आ गई है, और ये वाली तो वाकई में गजब है, जिसमें एक छोटे से इलेक्ट्रिक स्पिनिंग टूल का इस्तेमाल करके नाखून को बड़ी ही आसान तरीके से ना सिर्फ साफ किया जा सकता है बल्कि एक परफेक्ट शेप भी दिया जाता है। और ये काम कितनी जल्दी हो जाता है वो तो आप खुद ही देख सकते हैं। अब मैं आपको जिस बाबर से मिलवाने जा रहा हूँ ना, उनके बाल काटने का तरीका देखकर पहली बार में कोई भी इंसान डर जाए, क्योंकि ये जनाब बाल काटने के लिए कैंची नहीं बल्कि इस्तेमाल करते हैं तलवारों का, वो भी इतनी स्टाइल से, मानो बाल काटने की इस टेक्निक की जनाब बचपन से ही प्रैक्टिस कर रहे हो। वैसे मैं आपको बता दूं, इस बाल काटने की टेक्निक को कटाना स्टाइल कहते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके ये किसी के भी लुक को बदल सकते हैं। बस इनसे बाल कटवाने के लिए बॉस थोड़ी सी बहुत सारी हिम्मत चाहिए, क्योंकि गर्दन के कुछ इंच दूर जब तलवार चलती है तो अच्छे अच्छे लोगों की भाई साहब धड़कनें तेज हो जाती है। दोस्तों, जब भी आप किसी नई जगह पर जाते हैं बाल कटवाने, तो कुछ सेकंड्स रोककर आप उसे बताने की कोशिश करते हैं कि आपको किस तरह की हेयर स्टाइल चाहिए और कहां बाल छोटे होने चाहिए, कहां आपको बड़े रखने हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि इस फास्टेस्ट बार्बर के पास आपके इन बातों को सुनने का समय भी है, क्योंकि ये इंसान के 10 गिनने तक उसे तेरे नाम के सलमान खान से दबंग का सलमान खान बनाकर रख देता है। इसलिए अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता तो आप इस नाई के पास जाकर अपना नया लुक पा सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी किसी काम को देख के समझ नहीं आता कि इसे जीनियस कहें या फिर सनकी, इसलिए अब आप खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम आपको जिस स्पेनिश बार्बर से मिलवाने जा रहे हैं वो बाल काटने के लिए दुनिया की सभी खतरनाक तलवार का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो कटाना हो, वॉल्वरिन स्टाइल नाइफ्स हो, मल्टीपल पेयर ऑफ सीजर्स हो, या फिर फायर या क्लॉस हो। और तो और, ये बाल काटने के लिए बॉस लेजर टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हैं, इससे तो आप समझ ही गए होंगे। ये आपके बालों को कुछ ही मिनटों में काट कर आपको एक अलग ही लेवल का लुक दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अब इनसे बाल कटवाना सेफ रहेगा या नहीं भाई, ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक में ही मास्टरी करने में इंसान की हालत पतिया हो जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन इन्होंने तो हर टेक्निक पर अपनी पकड़ बना रखी है, तभी तो इन सभी टेक्निक्स को इतनी तेज स्पीड से करते हैं कि देखने वाला बस देखते ही रह जाता है। दोस्तों, कुछ लोग वाकई में बाल काटने को एक कला समझते हैं और अपने क्लाइंट के बालों को कैनवास, तभी तो अपनी सारी कलाकारी उनके बालों पर ही दिखा देते हैं। अब जैसे कि आप इस बार्बर को ही देख लीजिए, जो लोगों के बालों पर अपनी कलाकारी दिखाते हुए कुछ भी बना सकते हैं, फिर चाहे वो उस इंसान की खुद की शक्ल हो या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट। वाकई में बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि इस तरह की डिटेलिंग सिर्फ बालों से करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और इसीलिए इस फील्ड में कुछ धुरंधर लोग ही अपने इस तरह के भाई चमत्कार दिखा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने एडवर्ड सीजर हैंड्स को तो देखा ही होगा, कैसे वो अपने धारदार हाथों का इस्तेमाल करके बालों को काटते हैं। लेकिन अब हम आपको जिन जनाब से मिलवाने जा रहे हैं वो सिर्फ अपने हाथों पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि अपने हाथों से भी ज्यादा कैंचियों का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये पूरी तेज कैंचियों को अपने हाथों में सेट करके फिर उस अपने क्लाइंट के बाल खचाखच करके काटते हैं। और सबसे अनोखी बात तो ये है, इनका कहना है कि ये ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट में किसी के भी बाल पूरी तरह से काट सकते हैं। क्या बात है। दोस्तों, बाल भले इंसान एक आध महीने में एक बार कटवाए, लेकिन शेविंग एक ऐसी चीज है जिसको बार बार करना पड़ता है। हालांकि आप चाहें तो फ्री में अपने घर पर ही शेविंग क्रीम और रेजर लेकर शेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नया स्टाइलिश लुक चाहिए तो भाई साहब नाई की दुकान का दरवाजा तो आपको खटखटाना ही पड़ता है। और कुछ बाबा इस काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ठीक इस बाबा की तरह, जो शेव करने के बाद बचे हुए बालों की वैक्सिंग भी करते हैं ताकि एक परफेक्ट शेप मिल सके। दोस्तों, आपके बालों को काटने के लिए अगर कोई एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रहा है तो जरूर ध्यान से, क्योंकि इस काम को करने के लिए यार वाकई में प्रोफेशनल होना पड़ता है, वरना अगर हल्की सी भी चूक हो गई तो उनकी नाई की दुकान में ताला लगने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन जिस हिसाब से बिना बाल वाले ये जनाब लोगों के बाल काट रहे हैं उसको देखकर लगता है इन्होंने वाकई में इस टूल में महारत हासिल कर ली है। वैसे चेयर पर बैठे इंसान के एक्सप्रेशन भी काफी गजब है, देखिए जरा, जिसे अंदर ही अंदर डर भले ही लग रहा लेकिन बेचारा दिखा नहीं पा रहा। वो क्या कहते हैं, दिल की बात जुबान पे नहीं आ पा रही। दोस्तों, अगर आपका रेगुलर बार बार आपके बाल काटने के लिए कैंची की जगह आग का इस्तेमाल करता है तो भाई साहब हम आपको यही सलाह देंगे कि आपको वहां से 9-11 हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इस काम के एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो हो सकता है बड़े आराम से आपके पूरे लुक को बदल के रख दे, क्योंकि कुछ नाई बाल काटने के लिए असली आग का इस्तेमाल करते हैं। यस, फायर। नहीं, हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि ये लोग किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन इनकी टेक्निक को देखकर लगता है ये अल्कोहल और स्प्रिट्जर के इस्तेमाल से ऐसा कर पाते हैं। और कई सारे देशों में इस काम के स्पेशलिस्ट अपने कस्टमर्स को इस टेक्निक से काफी इम्प्रेस करते हैं।
दोस्तों बालों को डाई करना काफी टाइम टेकिंग है, फिर चाहे आप बाबर के पास जाएं या फिर घर पर करें। इस काम में भाई साहब टाइम तो लगता ही है, लेकिन कुछ स्पेशलिस्ट लोग हेयर कलर स्प्रे और बिजनेस कार्ड की मदद से कुछ ही मिनट में आपके बालों को डाई कर देंगे, वो भी ऐसे कि किसी को पता भी न चल सके कि आपने अपने बालों में डाई करवाई है। और सिर्फ बाल ही क्यों, आप तो अपनी दाढ़ी को भी डाई करवा के परफेक्ट शेप और कलर दे सकते हैं। पर दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि जिनके बाल होते हैं सिर्फ उन्हीं को नाई की जरूरत पड़ती है, तो ना 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 ना, आप यहाँ गलत है, क्योंकि कभी कभी बिना बाल वाले लोग भी नाई के पास हीरो वाले लुक के लिए पहुंच जाते हैं। भाई बाल कम है तो क्या हुआ, खूबसूरत दिखना हर किसी का हक है। ऐसे में ये लोग एक अलग ही टेक्निक अपनाते हैं जिसमें मास्क लगाकर उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर उस पूरे मास्क को जब सिर से उतारते हैं तो इनके चेहरे की लालिया है, इनकी खूबसूरती अलग से छलकती है। इसलिए अगर आपको भी शेव किया हुआ सर पसंद है तो उसका ख्याल रखना तो बनता है। और आपसे ये कहूंगा जिसके बाल कम हो कृपया करके उसे टकला ना कहें, क्योंकि भाई साहब ये नेचुरल है, बाल झड़ना कभी किसी के संग भी हो सकता है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि हर किसी को शेव किया हुआ सर पसंद हो, हर कोई चाहता है उसके सिर पे बाल हो, और अगर नेचुरल तौर पर उसके सिर पे बाल नहीं है तो कोई बात नहीं, बार्बर भैया है ना, वो आपके सिर का मेजरमेंट लेकर उसमें अलग अलग से बालों को अटैच कर देंगे और फिर उन्हें आप अपने अकॉर्डिंग स्टाइल करके अपने आप को टॉम क्रूज वाला लुक दे सकेंगे भाई। और दोस्तों बाल शेव ही नहीं, लोग आईब्रो भी सेट करवाते हैं, नहीं लड़कियां नहीं लड़के भी करवाते हैं, लड़के भी चाहते हैं उनके आईब्रो सेट हो, कई तो भाई कट लगा के घूमते हैं आईब्रो में, ये ना कूल लगता है कुछ लोगों को। वैसे दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बियर्ड्स को शेप देने के लिए वैक्सिंग जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग थ्रेडिंग के काम में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उन्हें वैक्सिंग के तीन झाम की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुल मिलाकर तलवार से लेकर आग की मदद से बालों को काटने वाली इन टेक्निक्स को देखकर अगर आपको लगता है कि ये सबसे खतरनाक टेक्निक है तो जरा ठहर जाओ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाल काटने के लिए तलवार या आग से एक लेवल ऊपर जाते हैं। आप कहेंगे यार इससे ऊपर कौन सा लेवल है, तो मैं आपको बता दूं, हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग। हाँ सही सुन रहे हैं आप, इनकी टेक्निक को देखकर ऐसा लगता है ये वाइकिंग्स के जमाने के, बहुत पुराने जमाने के, क्योंकि दोस्तों ये टेक्निक वाकई में शायद पहले कभी इस्तेमाल की जाती थी, ऐसे बहुत सारे साल पहले, मतलब मुझे भी नहीं पता कब इस्तेमाल की जाती थी। और ये बहुत ही खतरनाक है कि आप अगर इसे अपने बालों में इस्तेमाल करवाते हैं, भला कौन चाहेगा उसके बालों पर हथौड़ा चले। दोस्तों एक बार को हथौड़े से बाल काटने का जो आइडिया, वो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लग सकता है, लेकिन आप जानते हैं पेड़ काटने वाला जो चेनसॉ होता है ना, उसका इस्तेमाल करके भी बार बार लोग बाल काटते हैं। जी हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप ये देखिए जब आप इनके हाथों में चेनसॉ देखेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप गलत नाई की दुकान पर पहुंच गए, लेकिन जब ये इसका इस्तेमाल करके बालों को काटना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है नहीं 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 यार, ये वाकई में नाई है, बस ये नॉर्मल नाइयों की तरह कैंची चलाना पसंद नहीं है। वैसे हमने असल लाइफ में तो किसी को देखा नहीं है इतने बड़े टूल्स का इस्तेमाल करके बालों को काटते हुए, लेकिन इन लोगों को देखकर ये किसी पागलपन से कम नहीं लग रहा है। अच्छा दोस्तों अगर आपको मौका मिले इनसे शेव करवाने का या बाल सेट करवाने का तो क्या करवाएंगे, मतलब एडवेंचर के लिए करवाना चाहेंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर माय चैनल।